हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें ताकि आपको सही रिजल्ट एंड सही जानकारी मिले। तो ये वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देख लोगे तो इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर आपको कहीं कुछ और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ में मैं वीडियो के एंड पे ये भी बताऊँगा कि कौन सा प्रेगनेंसी टेस्ट किट बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, पीरियड मिस होने के बाद यानी आपका जो एलएमपी डेट था, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका अगर एलएमपी डेट था, जैसे अभी अगस्त चल रहा, तो अगर आपका जुलाई का अगर आपका डेट था 22 तारीख, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपका एलएमपी डेट था 22 जुलाई 2021, तो आपका नेक्स्ट जो डेट होगा वो 22 अगस्त को होगा, 28 to 30 डेज के साइकिल के अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पे आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको और 10 दिन तक वेट करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि नॉर्मली भी पीरियड 7 दिन पहले आना नॉर्मल है एंड डेट का अगला 7 दिन के अंदर आना पीरियड नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसलिए इतना जल्दी भगाने का नहीं है और टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको जिस दिन आपका डेट है पीरियड का, उस दिन से लेकर नेक्स्ट 10 डेज के बाद आप 11th डेज पर आप टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपका 22 तारीख को डेट है, तो 22 तारीख से आपको काउंट करना है, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके आपको देखना है। आपका 10 दिन जिस तारीख को हो रहा है उसका अगला दिन आपको सुबह टेस्ट करना है। सुबह का पहला पेशाब से मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है दोस्तों, कि मिड स्ट्रीम यूरिन हम उस सैंपल को कहते हैं जिसे आप यूरिन के लिए जा रहे हो, यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, उस दौरान जो आपको जो मिड बीच का जो पेशाब होगा उसको लेना है। उस यूरिन में प्रॉपर मात्रा में आपका HCG हार्मोन रहता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और वही हार्मोन वो किट से डिटेक्ट करके आपको बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में वो बच्चेदानी से सिक्रेट होता है। तो आई होप गाइस ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा टेस्ट किट अच्छा है। तो मेरा चॉइस में अगर देखा जाए तो अच्छा है रहता है प्रेगानियूस टेस्ट किट, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो आप उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारा टेस्ट किट आता है, मैं आपको कोई पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपको यही जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।